जरा अब आपको बताते हैं कि आतिशबाजी को लेकर नियम कितने सख्त हैं, कितने सख्त हैं, चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि प्रदूषण बहुत है, तो बहुत ध्यान रखना है। कई जगहों पर बैन लगाया गया है, कहां कहां चलिए बता रहे। सबसे पहले दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली में AQI लेवल कहा जा रहा है ज्यादा है, ऐसे में पटाखों पर दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से बैन लगाया हुआ है और पिछले कुछ सालों से यही स्थिति रहती है। पंजाब में सिर्फ 2 घंटे की छूट दी गई है। पराली जलाने की समस्या, जिसे कहा जाता है कि दिल्ली प्रदूषित हो रही, उसको लेकर ये कहा भी गया कि नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए, लेकिन दिल्ली पर कोई असर नहीं हुआ, अभी भी पॉल्यूशन वैसा ही रहता है। सरकार दोनों जगहों पर एक ही है। इसके अलावा हरियाणा में ग्रीन पटाखों की छूट दी गई है। वहीं आपको बताएं बिहार में भी 4 शहरों में पटाखों पर बैन रखा गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पटाखों की छूट दी गई है। तो ये आतिशबाजी को लेकर नियम सख्त बनाए गए, इसलिए बनाए गए हैं जिससे कि प्रदूषण ना हो। लेकिन प्रदूषण क्या सिर्फ इसी त्योहार पर होता है? प्रदूषण क्या सिर्फ पटाखे जलाने से होता है? क्या गाड़ियों में जिनमें आप सफर करते हैं धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां, पुरानी गाड़ियां, आप जो ACs लगाते हैं उससे जो CFCs निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, क्या उससे प्रदूषण नहीं होता? क्या आप जो फ्रिज इस्तेमाल करते हैं उससे प्रदूषण नहीं होता? प्रश्न इसीलिए ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि आप पौधारोपण तो करते नहीं है, लेकिन आप प्रदूषण को लेकर ये जरूर कहते हैं कि पटाखे मत चलाइए। चलिए जरा आपको बताते हैं, ये जो आपको हम AQI दिखा रहे हैं, ये आपकी आंखें खोलने के लिए दिखा रहे हैं। लाहौर पाकिस्तान के AQI है, ये 2 दिन पुरानी रीडिंग है जिसमें 700 AQI बताया गया और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड, ग्लोबली पॉल्यूटेड शहर पाकिस्तान का लाहौर बताया जा रहा है। अब जरा ये बताइए, पाकिस्तान में क्या दीपावली मनते आपने देखी है? क्या वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं? जो AQI 700 पहुंच चुका है और दिल्ली में 300 AQI है और कहा जा रहा है कि पटाखे फोड़ेंगे इस वजह से ऐसा हो रहा है, पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में कोई पटाखे फोड़ता नहीं, इतनी आजादी नहीं देते हैं वहां वो अल्पसंख्यकों को कि वो कुछ कर पाए। उसके बावजूद ये जो प्रश्न होता है, ये हम सभी को सोचने की जरूरत है कि कैसे त्योहारों का जो हमारा पारंपरिक एक तरह से एक रंग है उसको लेकर हम आगे बढ़े, और अगर पोल्यूशन की इतनी चिंता है तो उसके लिए कुछ करें, ना कि सिर्फ हिदायतें। चलिए आगे बढ़ते, अगले सेगमेंट की बात करते हैं। तो ये तो धमकियों का अलग अलग मॉड्यूल हमने बताया, एक और मॉड्यूल बहुत एक्टिव है, आपने देखा भी होगा, लगातार गैंगस्टर्स धमकी दे रहे हैं, कह देते हैं कि गैंगस्टर की तरफ से कॉल आ जाता है, कह देते हैं कि गुर्गे हैं और क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं। अब बात उसी की करेंगे, अब धमकी के इस मॉड्यूल की बात करते हैं। खान को लेकर कहा गया, अभी कुछ दिन पहले कहा गया, लॉरेंस गैंग की तरफ से कॉल आई और ये कह दिया गया कि सीधी धमकी दे रहे हैं, पैसे दे दिए जाएं। और ये कॉल कहां आया? ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर में आया, और जब तह तक जाने की कोशिश की गई तो बड़ा हैरान करने वाला खुलासा हुआ। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, वो सोच नहीं रहे हैं कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या हो सकता है। आफ्टर इफेक्ट जेल होता है, जो होता दिखाई भी दे रहा है, लॉरेंस का गुर्गा बन जाते हैं, कह देते हैं कि लॉरेंस का गुर्गा है, भले लॉरेंस को इस बारे में पता ही ना हो, वो जेल में बंद है, लेकिन उसके नाम को इस्तेमाल करके कैसे चर्चा में बने रहने की कोशिश हो रही है या पैसा लेने की कोशिश हो रही है, ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और ये धमकी का एक अलग मॉड्यूल है, ये अलग मॉड्यूल है जो फॉलो किया जा रहा है, और यहां सीनियर स्टार्स को, राजनेताओं को, अलग अलग लोगों को धमकियां दी जा रही है। कैसे ये हो रहा है सब कुछ, चलिए आपको बताते हैं। देखिए आपको बताएं कि सलमान को लेकर, देखिए सलमान और ज़ीशान सिद्दीकी को धमकी दी गई थी, कॉल आया था, आपको याद होगा, गुरफान नाम का शख्स है जिसकी तस्वीर हमने यहां पर लगाई हुई है, गुरफान ने दोनों को जान से मारने की धमकी दी थी। गुरफान की तस्वीर आप देख रहे हैं, बमुश्किल 19-20 साल का लड़का है ये। शुक्रवार शाम को धमकी भरा कॉल आया, थ्रेट कॉल किया गया, और ज़ीशान के बांद्रा स्थित जनसंपर्क कार्यालय में अचानक ये कॉल आता है, कॉल रिसीव होता है, और फोन पर गुरफान क्या कहता है, डराता है पहले, और उसके बाद फिरौती की रकम मांगने लगता है। उसको लग रहा था कि यहाँ पैसों की उगाही वो कर लेगा, और इसी प्लान के साथ वो कॉल करता है। धमकी की शिकायत ज़ीशान सिद्दीकी ने पुलिस को की थी, अभी अभी उन्होंने अपने पिताजी को खोया है, इस तरह का कॉल उन्हें डरा रहा था। निर्मल नगर पुलिस थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ, और जिस तरह से बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है उसके बाद से इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर महाराष्ट्र पुलिस बहुत ज्यादा सीरियस है, और ऐसे में लगातार नकेल कसने की कोशिश की गई, ट्रैक करने की कोशिश की गई, और जब ट्रैक किया गया तो खुलासा हो गया कि दरअसल ये कॉल गुरफान ने किया था। गुरफान को आप यहाँ देखिए, और गुरफान खुद को क्या बता रहा था कि वो लॉरेंस का गुर्गा है, जरा तस्वीर देखिए, ये गिरफ्त में आ चुका है
और गिरफ्त में आया है नोएडा से, नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहां महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया है। गुरफान उर्फ तैयब इसका नाम बताया जा रहा है, जो पकड़ा गया, जिसने धमकी भरी कॉल कर दी, और कोई ये गुर्गा वुर्गा नहीं, इसके बावजूद इसने इस चीज को यूज करने की कोशिश की। जब पूछताछ हुई, कड़ी पूछताछ जब की गई गुरफान से, तो सारे होश फाकते हो गए गुरफान के और सारी बातें उसने बोल डाली। पुलिस की पूछताछ में गुरफान ने खुलासे किए। यूपी के बरेली का रहने वाला गुरफान, उसने बताया, गुरफान उर्फ इसका नाम मोहम्मद तैयब है और इसकी उम्र महज 20 साल है। 20 साल का गुरफान कॉल कर रहा है। नोएडा के सेक्टर 92 में कारपेंटर का ये काम करता है, कारपेंटर का काम करता है, और हर महीने इसे 8,000 रुपये करीब मिलते थे। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर पर इसी ने मैसेज भेजा था और लिखा था कि हम सलमान को नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से पब्लिक डोमेन में ये जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई ने एक बार धमकी दी है, उसके बाद उस चीज़ को यूज़ कर रहा था, ये बहुत बुरा होगा, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, इस तरह की बातें गुरफान की तरफ से लिखी हैं। और ये क्यों लिखा गया? क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसे धमकी देने से, क्या पता जो अभी हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र में, बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, उसके बाद क्या पता कि पैसे मिल जाएं। और देखिए, अब गुरफान को जब पकड़ा गया है सेक्टर 39 से, इसे मुंबई ले जाया गया है। मुंबई में गहनता से जांच होगी हर एक पहलू की, कि आखिर गुरफान ने ऐसा कॉल किया क्यों, क्या ये सिर्फ पैसों के लिए कॉल था या वाकई कोई कनेक्शन है। अलग अलग चीजें हैं जिसको लेकर जांच की बात कही जा रही है। रोज देखिए इस तरह के कॉल्स की संख्या अब बढ़ती जा रही है। कभी इस तरह से कॉल आकर कहा जाता है कि जान से मार देंगे, कभी कहा जाता है एक्सटॉर्शन। तो ये जो संख्या है अचानक से कॉल्स की बढ़ गई है, क्या ये सिर्फ एक तरीका है पब्लिसिटी लेने का, या वाकई लॉरेंस गैंग का इसमें हाथ है? क्या वाकई वो लोग जो कॉल करते हैं वो गुर्गे हैं भी या नहीं? रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को मिली धमकी, नोएडा से गिरफ्तार हुआ धमकी देने वाला सनकी। लगता है सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को लॉरेंस के नाम पर धमकी देने का ट्रेंड चल पड़ा है। तभी तो रोज नए नए नंबर से कॉल आते हैं, कभी धमकी दी जाती है तो कभी फिरौती की मांग की जाती है। ऐसा ही एक कॉल शुक्रवार शाम जीशान सिद्दीकी के बांद्रा स्थित कैंप कार्यालय में आया। कॉल उठाते ही कॉलर गुरफान ने पहले तो सलमान को मारने की धमकी दी और फिर पैसों की मांग रखी। हालांकि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से ही एक्टिव मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए टीम बनाई और फिर जांच में जुट गई। इसी बीच आरोपी गुरफान को नोएडा के सेक्टर 93 से गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में सेक्टर 39 थाने लाया गया, जहां आरोपी गुरफान ने जो बताया वो हैरान करने वाला था। सामने आया कि 20 साल का गुरफान उर्फ मोहम्मद तैयब काम तो कारपेंटर का करता है, लेकिन इरादे शूटर्स वाले हैं। अभिनेता सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जुशान सिद्दीकी को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में लेकर के आई थी, जिसके बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अगर हम तैयब की बात करें तो पेशे से वो कारपेंटर है, बरेली का रहने वाला है और 20 साल उसकी उम्र है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरफान ने डायरेक्ट पैसे की मांग के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही हलचल मचाने के लिए फोन किया था। उसका मकसद था कि इसी बहाने कुछ पैसे भी मिल जाएं, लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस इस युवक का पूरा डेटा तलाश रही है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन लोग हैं और वो किन किन से बात किया करता था। हालांकि अब मुंबई पुलिस गुरफान को तो अपने साथ मुंबई ले गई, लेकिन सवाल है कि आखिर 20 साल के लड़के में सलमान खान और जीशान सिद्दीकी को धमकी देने की हिम्मत कहां से आ गई? अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब से पूछताछ करेगी। ये पूछताछ काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि अभी जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार तैयब से तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही है। उसकी क्राइम शीट को खंगाला जा रहा है, क्राइम हिस्ट्री को खंगाला जा रहा है। इसके साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब क्या किसी गैंग से जुड़ा हुआ है। क्या गुरफान की इस धमकी के पीछे वाकई में कोई साजिश थी, या फिर अब गुरफान को ऐसी धमकी देना महंगा पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
फिलहाल ऐसा जो भी धमकीबाज है, जो धमकीबाज गैंग है, जो अलग अलग मौकों पर धमकी देता है, वो सभी देख लें, हश्र यही होता है, अंत में पुलिस की गिरफ्त में ही आते हैं। और ऐसे में भी अगर आपको भी कोई धमकी भरा कॉल आए तो घबराना नहीं है, तुरंत रिपोर्ट करना है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे डिटेल रिपोर्ट के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।